उठाइए ना। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दीदी। आज मेरे लिए बहुत ही ज्यादा बड़ा और स्पेशल दिन है। बड़ा और स्पेशल दिन? लगता है आज ही के दिन आप यम लोक से पृथ्वी लोक में फेंकी गई होंगी। आपका बर्थडे है ना आज? आज मैं मिलने वाली हूँ सौरभ जोशी से और मुझे बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है। मैं काफी ज्यादा नर्वस भी हूँ। वाह दीदी, जोक तो बहुत अच्छा मार लेती हो आप। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जब वो मुझसे मिलेंगे तो उनका रिएक्शन क्या होगा। मैं बताता हूँ, वो आपके साथ वीडियो बनाने के लिए मरा जा रहा होगा। तो अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ, आपको पता ही है मैं सिंपल ही रहती हूँ। पता है दीदी, आप बहुत सिंपल रहती हो, लेकिन आपको एक बात बताऊँ, सुअर जितना भी मेकअप कर ले वो लगता सुअर ही है। गाइस, मैं बस स्टैंड पहुँच चुकी हूँ। अब मैं मेट्रो पे आ चुकी हूँ, तो वही वाली मेट्रो आने वाली है। चलो भाई, हमारी मेट्रो तो आ गई। मेट्रो से नई दिल्ली उतर के वहाँ से हम ट्रेन लेंगे उत्तराखंड के लिए। कुछ पूछा मैंने? दीदी, आप तो बहुत ही अच्छी घटिया किस्म की व्लॉगिंग करने लग गई हो। लगता है सौरभ जोशी का करियर अब खत्म होने वाला है। सो उत्तराखंड में ट्रेन से उतरने के बाद मैंने ये रिक्शा ले लिया है। ये ई रिक्शा सीधा मुझे सौरभ के घर के बाहर उतारेगा। दीदी, रिक्शे वाले को पैसे दे देना, नहीं तो कल के समाचार में सुनने को मिलेगा रिक्शे वाले को पैसे ना देने पर उसने एक लड़की को पहाड़ से नीचे फेंक दिया। गाइज, ये देखिए, मैं अभी सौरभ जोशी के सोसाइटी के बाहर आ चुकी हूँ। किसी से नहीं मिल रहे सौरभ जोशी। अरे वाह दीदी, आप तो एक नंबर की चोरनी निकली। किसी और की वीडियो की क्लिप लगा दी। आपको क्या लगा हमको पता नहीं चलेगा? ये सौरभ जोशी की थार है, वो मार्केट गए हुए थे। मुझे लगा उतर के मिल लेंगे 2 मिनट के लिए, बट वो मुझसे नहीं मिले, वो बिना मिले चले गए। मुझे लगता है दीदी, उन्होंने दूर से ही आपकी डरावनी शक्ल देख ली होगी, इसलिए वो गाड़ी से नहीं उतरे, सीधा घर चले गए। दोस्तों, तो फाइनली मैं अपने घर पे वापस आ चुकी हूँ और अपने घर पे वापस लौट के मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। काफी ज्यादा पॉजिटिव वाइब्स आ रही है मेरे को अपने घर पे आके। ओ, दीदी को पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, क्या बात है। क्योंकि जब मैं सौरभ की सोसाइटी के बाहर खड़ी थी धूप में, तो वहाँ पे तो कोई आया नहीं अपनापन दिखाने के लिए। अरे दीदी, मुझे क्यों नहीं बताया, मैं आ जाता अपनापन दिखाने। सौरभ जोशी खुद भी नहीं आए कि 2 मिनट के लिए आकर मेरे से मिल ले। आपका टाटा बिरला अंबानी या कहीं की मिनिस्टर है जो आपसे मिलने आए? वो मेरे को बहुत पहले से जानते हैं, मैं उनके ऊपर कब से वीडियो बना रही हूँ, फिर उन्होंने मेरे ऊपर वीडियो बनाई ट्रिगर इंसान के साथ में। वैसे दीदी, वीडियो तो मैं भी बना रहा हूँ, मेरे ऊपर तो आपने रिएक्ट नहीं किया, मुझे में क्या कांटे लगे? वो मेरे को अच्छे से जानते हैं, बट उसके बावजूद भी वो मुझसे नहीं मिले। अभी भी मेरे को रोना आ रहा है, बट मैं कल रोऊंगी नहीं। रो लो दीदी, रो लो, अपना गम हल्का कर लो। आंसू नहीं आ रहे हैं तो मैं बिस्लेरी की बोतल आपके घर भिजवा देता हूँ, आंखों में छिड़क कर आंसू निकाल लेना। सो भाई, आप लोग देख सकते हैं सौरभ जोशी में कमेंट कितना ज्यादा चूर चूर होके भरा हुआ है, एंड बहुत ज्यादा कमेंट दिया है। और आप में तो ठूस ठूस के भरा है, और अब वो घमंड आपकी उल्टी के जरिए पूरे YouTube पर फैल रहा है। वो एक सेकंड के लिए भी नहीं रुक, उतरे भी नहीं अपने कार से, वो लेके फरार हो गए अपनी कार को। तो दीदी, आप भी फरार हो जाओ और दोबारा YouTube पर नजर मत आना, नहीं तो ऐसा पाद मारूंगा जिसे सुनकर आप इस यूनिवर्स से ही फरार हो जाओगी। थैंक यू सो मच।